आज के वीडियो में दीदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि ग्राम संगठन का खाता किसके नाम से खुलता है, क्या पदधारियों के पर्सनल खाते में आएगा पैसा, इसकी पूरी जानकारी दीदी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी सभी दीदियों को यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्राम संगठन का खाता किसके नाम से खुलता है। यह जानकारी होना सभी दीदियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दीदी जिस प्रकार से आपके स्वयं सहायता समूह का खाता समूह के नाम से खुलता है, जब आपके समूह का गठन होता है तो आप अपने समूह का एक नाम रखती हैं, सीता, गीता, आदर्श, प्रेरणा, जो भी नाम रखती हैं उसी नाम से आपके समूह का खाता खुल जाता है। तो दीदी जिस प्रकार से समूह का खाता समूह के नाम से खुलता है और समूह के खाते का संचालन करने के लिए आप अपने समूह में 3 प्रतिनिधियों का चयन करती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और उन्हीं के द्वारा समूह के बैंक खाते का संचालन किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दीदी ग्राम संगठन का भी खाता ग्राम संगठन के ही नाम से खुलता है। जब आपके ग्राम संगठन का गठन होता है तो आपके ग्राम संगठन का नामकरण होता है, आप अपने ग्राम संगठन का एक नाम रखती हैं, जैसे एकता नारी शक्ति, जैसे मान लीजिए आप एकता नाम रख दिया तो एकता प्रेरणा महिला ग्राम संगठन के नाम से आपके ग्राम संगठन का खाता खुल जाएगा। ग्राम संगठन में 5 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष, इन्हीं के द्वारा जो है ग्राम संगठन का संचालन किया जाता है। ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन इन 5 प्रतिनिधियों में से केवल 3 प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो दीदी आप सबके समझ में यहाँ तक तो बात आ गई होगी कि ग्राम संगठन का खाता किसके नाम से खुलता है। तो ग्राम संगठन का खाता ग्राम संगठन के ही नाम से खुलता है। तो ग्राम संगठन का दीदी खाता कहाँ पे खुलता है? तो दीदी जिस बैंक में आपके स्वयं सहायता समूह का खाता खुला रहता है उसी बैंक में भी आपके ग्राम संगठन का भी खाता खुलता है। तो बहुत सी दीदियां सोचती हैं कि ग्राम संगठन का खाता खुल रहा है, इसमें हमारी पर्सनल बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लग रही है तो हमारे पर्सनल अकाउंट में जो है पैसा आएगा। तो दीदी ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं सहायता समूह में जब भी कोई काम आता है या कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है तो हर जगह जो है बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगती है सभी की, जितने भी लोग समूह में जुड़े हैं उनका भी लगा है, और जितने भी जैसे समूह में 3 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनका भी लगा है। ठीक उसी प्रकार से ग्राम संगठन का जब निर्माण होता है तो ग्राम संगठन में जो 5 प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है तो उनका भी जो है पर्सनल अकाउंट का फोटोकॉपी लगता है, वो एक प्रूफ के रूप में लगता है। यदि उसी बैंक में उस दीदी का खाता खुला रहता है तो समूह का खाता खुलने में आसानी हो जाती है और ग्राम संगठन का भी खाता उस बैंक में खुलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है, आसानी से खुल जाता है, एक प्रूफ के रूप में लगता है, एक सबूत के रूप में लगता है। तो ये नहीं है कि आपके पर्सनल अकाउंट जो है बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लग रहा है तो आपके पर्सनल खाते में पैसा आएगा, नहीं दीदी। ग्राम संगठन को जितने भी फंड परियोजना की तरफ से आते हैं या सरकार की तरफ से आते हैं, सरकार सभी फंड, सभी लाभ ग्राम संगठन के ही खाते में देती है, उसके बाद ग्राम संगठन सभी समूहों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है दीदी, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ग्राम संगठन का खाता कहाँ पे खुलेगा और प्रतिनिधियों के पर्सनल अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो दीदी ये बात साफ हो गई, क्लियर हो गई कि ग्राम संगठन में जो भी प्रतिनिधि बने हुए हैं किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ग्राम संगठन के ही खाते में आएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सी दीदियां सोचती हैं कि ये 5 लोग बन गई हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बन गई हैं, ये 3 लोग सभी इन्हीं लोगों को केवल लाभ मिलेगा, हम लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, ये लोग पैसा निकाल के खा जाएंगी। तो दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैसा निकाल के खा नहीं पाएगा क्योंकि ग्राम संगठन का खाता है, ये पंचायत स्तर पे खुला है, आप केवल इनको नामित किए हैं, इनके नाम से नहीं खुला है, ये केवल खाते का संचालन करने के लिए बनी है। तो जब भी ग्राम संगठन पैसे की निकासी करता है तो ग्राम संगठन की बैठक की जाती है, बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्यों का हस्ताक्षर किया जाता है, पैसे की निकासी आप किस कार्य के लिए कर रही हैं वो प्रस्ताव लिखा जाता है, उसके बाद कार्यवाही रजिस्टर में दर्शाया जाता है, सभी का हस्ताक्षर किया जाता है, इसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कार्यवाही रजिस्टर के साथ जाती है, उसकी फोटोकॉपी बैंक में लगाती है, तब जाके जो है ग्राम संगठन पैसा
भुगतान करता है। तो ये सब जो है विषम परिस्थिति में होता है दीदी। वैसे तो ग्राम संगठन किसी को नगद भुगतान नहीं करता है, क्योंकि ग्राम संगठन पंचायत स्तर पे एक बड़ा खाता है। ग्राम संगठन का खाता बैंक में खुलता है, इसमें 5-5.5 लाख रुपया रहता है, इससे ज़्यादा भी रुपया आता है। तो ग्राम संगठन जो है किसी को नगद भुगतान नहीं करता है और ना ही नगद निकासी करता है। ग्राम संगठन जो है अपने अकाउंट पे चेकबुक इशू करवाता है और चेकबुक के माध्यम से ही सभी को भुगतान करता है। जब समूहों को ऋण की आवश्यकता होती है तो स्वयं सहायता समूहों को जो है ग्राम संगठन बैठक में चेक के द्वारा भुगतान करता है, रुपया चेक के माध्यम से ही देता है। इसके बाद सभी समूह जो है ब्याज मूलधन लाके ग्राम संगठन में नगद जमा करते हैं। यदि वो अपने समूह में चेकबुक बनवाए रहते हैं तो चेकबुक के माध्यम से जमा करते हैं, या चेकबुक नहीं बनवाए रहते हैं तो नगद भुगतान करते हैं। उसके बाद ग्राम संगठन ले जाके ग्राम संगठन खाते में जमा कर लेता है। स्वयं सहायता समूह ब्याज मूलधन की वापसी ग्राम संगठन में यदि बैठक में नहीं कर पाता है तो समूह के खाते से जाकर बैंक के द्वारा जो है ग्राम संगठन के खाते में ट्रांसफर कर देता है या कर सकता है। तो दीदी ये बात क्लियर हो गई, एकदम साफ हो गई कि ग्राम संगठन बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही नगद निकासी करता है। वैसे तो ग्राम संगठन हमेशा जो है चेकबुक के द्वारा ही भुगतान करता है दीदी। तो दीदी ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्राम संगठन का खाता किसके नाम से खुलता है, पदधारियों के पर्सनल खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है, पदधारी पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ग्राम संगठन का खाता ग्राम संगठन के ही नाम से खुलता है, पदधारी यदि चाहें तो अकेले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और किस कार्य के लिए पैसा ले रहे हैं ये सब लिखकर जो है इसका प्रस्ताव लगाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा दीदी। तो आशा करती हूँ कि दीदी यह जानकारी आप सबकी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो हमारा देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दीदी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।